भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को आकर्षित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के PLI स्कीम के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब के निर्माण के लिए वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ गुजरात सरकार के 1.54 लाख करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशावाद व्यक्त किया। वेदांता के MD का कहना है कि वेदांता ग्रुप भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए कमिटेड है। और अब वेदांता ग्लोबल के MD आकर्ष के हैबार ने कहा कि वेदांता ग्रुप ने भारतीय सेमीकंडक्टर और ग्लास डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने के लिए 30 जापानी टेक कंपनीज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वी आर कमिटेड टू मेकिंग इंडिया अ हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। वेदांता इज फोकस्ड ऑन टेकिंग द लीड इन क्रिएटिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इकोसिस्टम रेदर देन जस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। इस साल की शुरुआत में वेदांता और फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर फैब यूनिट, डिस्प्ले फैब यूनिट, सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग यूनिट स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौते की घोषणा की। समझौते पर पिछले सप्ताह टोक्यो, जापान में आयोजित वेदांता वन स्ट्रीट बिजनेस पार्टनर समिट 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक वैश्विक कंपनियों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन सभी कंपनीज के साथ एग्रीमेंट के बाद देश में करीब $40 बिलियन के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और हजारों नौकरियों के अवसर भी मिलेंगे।